हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो यार, मैं एस्पिरेशन फॉर टुडे चैनल पर सबको स्वागत है और मैं हूं आप लोगों के साथ अभी दोस्त सर्वर्स भी। तो यार, आज बात करेंगे हम बिग बैश टी ट्वेंटी लीग की जो 14 नंबर मैच है उस मैच के बारे में। और ये जो मैच है वो मुकाबला करने वाला है मेलबोर्न रेनेगेड्स और ये जो सीनी थंडर, ये दोनों टीम। और इस दोनों टीमों की जो अगर प्रीव्यूज कुछ मैच की बात किया जाए, पिछले पाँच मैच की बात किया जाए तो उसमें से देखा जाए तो चार चार मैच यार ये जो मेलबोर्न रेनेगेड्स है वो जीता था, सिर्फ एक मैच जो है वो सीनी थंडर नहीं जीता था। तो ये जो रेनेगेड्स है ना, इसमें सिडनी थंडर से बहुत ही आगे है और पाला बहुत ही भारी है मेलबोर्न रेनेगेड्स की। लेकिन यार, इस साल की बात करो तो इस साल तो ये जो मेलबोर्न रेनेगेड्स है वो बिग बैश की सबसे कम स्कोर की जो परफॉर्मेंस है वो किया है, क्योंकि 60 रन पर ऑल आउट हो गई थी ये जो सिडनी सिक्सर के साथ रेनेगेड्स। तो यार, ये जो दोनों टीम है ना, दोनों टीमों की जो पहली मुकाबला होने वाला है जो बिग बैश की 14 नंबर मैच है, वो एक बहुत ही आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद भी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए बहुत ही लॉस कार्ड बुक की भी सेट हो सकती है। तो बात करते हैं असली बात। तो ये जो सिडनी थंडर की टीम और मेलबोर्न रेनेगेड्स की टीम जो मैच मुकाबला करने वाला है, तो इस दोनों टीमों के अगर कुछ की प्लेयर के बारे में बात किया जाए, तो पहले सिडनी थंडर की बात करो तो सिडनी थंडर जिस तरह की टीम है वो इस साल जो है वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। बेन काटिंग जो है वो भी अच्छी फॉर्म में है। सबसे बड़ी जो बात है वो बेन काटिंग जो है वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, बहुत ही पुरानी प्लेयर है। वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर की वजह से और वो बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है ये जो बेन काटिंग है। तो बेन काटिंग की फॉर्म में आना बहुत ही एक लाजवाब बात है। और सबसे बड़ी जो बात है वो कॉलम फर्गुसन जो है, फर्गुसन भी बहुत ही अच्छी फॉर्म में था। पिछले मैच में तो बहुत ही अच्छी खेला था और इसके साथ साथ एलेक्स हेल्स भी अच्छी फॉर्म में है, लेकिन पिछले मैच में कुछ रन नहीं कर पाई है जो एलेक्स हेल्स है। उसके साथ उस्मान खाजा को भी फॉर्म में आना चाहिए। और बॉलिंग की बात करो तो ये जो डैनियल सैम्स है, जिस तरह के ऑलराउंडर है, बहुत ही एक अच्छी ऑलराउंडर है। ये जो क्रिस गिन है, क्रिस गिन और भी अच्छी फॉर्म में आना पड़ेगा, क्योंकि इस ये जो तीन तीन मैचेस खेला है थंडर ने, उसमें से कोई भी उतना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। ये जो क्रिस गिन है जो एक बॉलर है, बहुत एक अच्छे बॉलर है। और बात करूँ ये जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों की, तो ये जो टीम है मुझे ठीक ठाक लग रही बैटिंग बॉलिंग, लेकिन बॉलिंग लाइन जो है ना वो सिडनी थंडर को थोड़ा सा और इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि बैटिंग लाइन जो है वो मुझे ठीक ठाक लग रही है। और मेलबोर्न रेनेगेड्स की बात करूँ तो मेलबोर्न रेनेगेड्स जिस तरह की टीम है वो क्या बताऊँ कि अगर कोई प्लेयर चल जाती है तो 200 भी हो सकती है जो मेलबोर्न रेनेगेड्स की टीम है। और मेलबोर्न रेनेगेड्स की सबसे बड़ी एक धक्का है वो है कि एरोन फिंच नहीं है। तो एरोन फिंच, मैंने पिछले मैच में भी आप लोगों को बताया था रेनेगेड्स की, जो एरोन फिंच अगर ना होती तो उसमें से जो है 5 मैच खेलता है तो 9-4 मैच हार जाएगी जो मेलबोर्न रेनेगेड्स से, क्योंकि एरोन फिंच एक ऐसी कप्तान है जो टीम को गाइड देती है और टीम को आगे ले जाती है। लेकिन एरोन फिंच ना होने की वजह से जो कमजोरी है वो ये टीम तो ये मैच में भी शायद गुजारना पड़ेगी। तो ये जो एरोन फिंच की सिफा से भैया जो इमाद वाशिम है, पाकिस्तान के एक ऑलराउंडर, वो भी नहीं खेलेगी इस मैच। लेकिन सुन रहा हूँ कि ये भी मैच, ये जो 14 नंबर मैच है रेनेगेड्स की, वो इमाद वाशिम खेल सकती है और एरोन फिंच भी खेल सकती है। तो देखते हैं क्या होता है। स्क्वाड फाइनल स्क्वाड अब तक नहीं मिला है मुझे, लेकिन ये जो रेनेगेड्स की जो टीम है वो मुझे सबसे बड़ी जो खतरनाक प्लेयर लग रही है वो कि रेली रोशो। जो बैटिंग लाइन की अगर बात करूँ रेनेगेड्स की, तो बैटिंग लाइन की जो रेनेगेड्स की जो रेली रोशो है ये मुझे बहुत ही खतरनाक लग रही है। और रेली रोशो बहुत ही अच्छी फॉर्म में भी है, पिछले मैच में 50 अपर रन किया था। और रेली रोशो ने एक ऐसी प्लेयर है जो एक दो कुछ इस तरह की प्लेयर होता है कि एक मैच में 50 या फिर 100 किया है तो पिछले अगले मैच में कुछ रन नहीं बना पाया। लेकिन रेली रोशो अगर एक बार फॉर्म में आ जाती है तो वो लगातार लगातार मैचेस रन ले आती है टीम के लिए, और लगातार वो हाफ सेंचुरी या फिर ये जो 50 के आप रन बना लेती है जो रेली रोशो है। तो रेली रोशो एक बहुत ही खतरनाक प्लेयर बन सकती है थंडर के लिए और रेनेगेड्स के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है बैट्समैन। और वेब स्टार है ये जो, इसके साथ साथ जो है शॉन मार्श जो कप्तानी करेगी इस मैच में, ये जो सैम हार्पर बहुत ही एक अच्छी हिटर है ये जो शॉन मार्श और ये जो मैंने बोला हार्पर। तो इसको सिवा छोड़ के ये जो बॉलिंग लाइन है रेनेगेड्स की, बॉलिंग लाइन तो मुझे ठीक ठाक लग रही है, क्योंकि बॉलिंग लाइन नूर अहमद ज्वाइन किया है, ये जो इमाद वाशिम भी शायद ज्वाइन कर लेगी ये जो रेनेगेड्स को। और उसके साथ साथ जो है बॉयसी, ये जो बॉयसी अगर खेलता है तो बॉयसी एक ऐसी प्लेयर है जो पिछले के 2018 में बहुत ही अच्छी बॉलिंग किया था बॉयसी ने, और बॉयसी की बॉलिंग लाइन जो है वो बहुत ही खतरनाक है। तो रेनेगेड्स की बॉलिंग लाइन की बात करो तो बॉलिंग लाइन तो मुझे ठीक ठाक लग रही है, क्योंकि पार्थ के साथ बहुत ही अच्छी बॉलिंग किया था, इससे टीम
ने जोश लालोर भी अच्छी फॉर्म में आना चाहिए। और बैटिंग लाइन की बात करें तो बैटिंग लाइन को थोड़ा सा और इम्प्रूव करना पड़ेगा। रेली रोशो को ठीक तरह से खेलना होगा, ये जो शॉन मार्स है शॉन मार्स को ठीक तरह से खेलना होगा। और मिडल ऑर्डर पर जो खेलते हैं ओबेस्टर, ये जो ओबेस्टर ओबेस्टर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। ये जो ओबेस्टर है ओबेस्टर को और भी अच्छा खेलना पड़ेगा। तो ये जो दोनों टीम है दोनों टीम की अगर बैटिंग और बॉलिंग की बात करो तो बैटिंग लाइन तो मुझे जो है वो थंडर की अच्छी लग रही है और बॉलिंग लाइन जो है वो रेनेगेड्स की अच्छी लग रही है। तो ये जो दोनों टीम है दोनों टीम तो मुकाबला करेगी कैनबेरा पर। और कैनबेरा की जिस तरह की पिच है, सिडनी थंडर ने अब तक 3 मैच खेला है, 2 मैच जीता है ये जो कैनबेरा की पिच है। और कैनबेरा में सिडनी थंडर किस तरह से खेलना चाहिए वो अच्छी तरह से जानती है। लेकिन कैनबेरा पर पिछले साल ये जो रेनेगेड्स से वो जीता था तो रेनेगेड्स को भी मालूम है कि किस तरह की पिच और किस तरह से बॉलिंग बैटिंग करना चाहिए। लेकिन इस साल जो होने वाला है मेरे हिसाब से ये जो मैच होगा, अगर टोटली बात करो मैच की, तो मेरे हिसाब से ये जो मैच है वो थंडर की टीम जो है वो थोड़ा सा आगे है इस रेनेगेड्स की। तो यार अब तक हमारे इस चैनल के साथ है तो जाने से पहले अभी भी हमारे को देख रही हो तो इस चैनल को यार सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करके जाना, अपने दोस्तों को भी पहुँचा देना इस वीडियो को और मेरी बातों को। तो आप लोगों को कैसी लगती है और आप लोगों की राय क्या है मुझे कमेंट्स करके नीचे जानाओ, क्या मैं अगली परीक्षण करूँ या फिर ना करूँ। तो चलते हैं आज के लिए, और जाने से पहले थंडर के साथ रहना और थंडर को विन कर देना।